जिला कुल्लू के मुख्यालय सुल्तानपुर डाकघर में महिला कर्मचारी के द्वारा किए गए गबन की जांच अभी भी जारी है। आरोपी महिला ने छोटी छोटी बच्चियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई सुकन्या समृद्धि योजना तक के पैसों में घपला किया है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब CBI और डाक विभाग के अन्य कर्मचारियों ने विभिन्न बचत खातों के साथ साथ सुकन्या योजना के खातों की भी जांच की। इस घपले की राशि 1,16,00,000 पहुंच गई है। डाक विभाग के द्वारा भी अपनी ओर से एक टीम का गठन किया गया जो लगातार इस घपले की जांच कर रही है। डाक विभाग के द्वारा पहले चरण में जो जांच की गई थी उसमें 36,40,000 रुपए के घपले की बात सामने आई थी। वहीं 100 अन्य खाता धारकों के खाते की जब जांच की गई तो उसमें 80,00,000 रुपए का घपला सामने आया। ऐसे में अभी भी डाकघर में ग्राहकों के खाते की जांच हो रही है और आने वाले दिनों में यह घपले की राशि और बढ़ सकती है। आपको बता दें कि घपले की रकम सुनने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपनी पासबुकों को अपडेट कराने के लिए डाकघर में पहुंच रहे हैं। आरोपी महिला को डाक विभाग द्वारा अभी फिलहाल के लिए निलंबित कर दिया गया है, लेकिन अब महिला को नौकरी से बर्खास्त करने की तैयारी की जा रही है। वहीं CBI भी आरोपी महिला को जल्द गिरफ्तार कर सकती है।